हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। फ्रेंड्स देखिए, ये एक जेड का प्लांट है, बहुत बुशी और खूबसूरत प्लांट है मेरा। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी इसकी केयर शेयर कर दूं, ताकि आप भी अपने प्लांट को इस तरह से बुशी और हेल्दी बना सकें। ये एक सकुलेंट प्लांट है फ्रेंड्स। सकुलेंट की कैटेगरी में आता है जेड प्लांट, और जेड में और भी कुछ प्लांट आते हैं, क्रेसुला ओवाटो को भी जेड प्लांट बोलते हैं। तो इनकी लीव्स थोड़ी सी छोटी होती है, और जो क्रेसुला ओवाटो बोलते हैं उनकी लीव्स का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, मुझे बहुत पसंद था, तो मैं इसे लास्ट दिसंबर में विंटर टाइम में लाई थी, और उसे कटिंग और रिपोर्टिंग किया था। तो इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, और स्क्रीन पे आई बटन भी दे दूंगी, आप उसकी भी वीडियो देख सकते हैं। मैंने इसे बॉन्साई के पर्पज़ से लिया था, तो उसकी प्रूनिंग कर दी थी और एक बहुत प्यारा सा लुक दिया था बॉन्साई का। लेकिन जब इसका ग्रोइंग सीज़न स्टार्ट हुआ, समर में इसका ग्रोइंग सीज़न है और विंटर में ये डॉर्मेंसी में रहता है, तो जब इसका सीज़न स्टार्ट हुआ ग्रोइंग सीज़न, तो इसने बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया है। देखिए, काफ़ी बुशी हो गया है ये प्लांट। देखिए, ये जितनी ब्रांचेस दिख रही हैं, सारी नई ब्रांचेस है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो मैं इसकी केयर कैसे करती हूँ, यही बताने वाली हूँ आपसे, ताकि आप भी इसकी केयर करके इस समर में इसको बहुत बुशी और हेल्दी प्लांट बना लें। देखिए, ये सारी इसकी न्यू ब्रांचेज हैं, बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। मुझे बहुत खुशी थी कि मेरा प्लांट इतना हेल्दी और बुशी हो गया, तो मैंने सोचा अपने दोस्तों से भी शेयर कर दूं कि इसकी केयर कैसे करनी है। बहुत इजी टू मेंटेन प्लांट है फ्रेंड, इसकी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो प्लांट आपके गार्डन में बहुत ही खूबसूरत लुक देगा और ग्रोथ करता रहेगा। मैं इसकी केयर कैसे करती हूँ, जब मैंने इसे नर्सरी से लाके दिसंबर में रिपोर्ट किया था, तो मैंने इसके लिए जो सॉइल तैयार किया था, उसमें मैंने एक हिस्सा सैंड लिया था, एक हिस्सा गार्डन सॉइल लिया था, और एक हिस्सा कंपोज लिया था। सैंड की मात्रा आप थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि एक सकुलेंट प्लांट है। इसके लिए जो सॉइल आप तैयार करेंगे, उसमें जो सॉइल होगी वो वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, और जो पॉट हो उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा होना चाहिए। 2 से 4 होल या 5 होल रखेंगे ना पॉट में, तो पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो जाएगा, और सॉइल भी वेल ड्रेन तैयार होनी चाहिए। तो इसमें आप सैंड की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। ये एक सकुलेंट प्लांट है, तो सकुलेंट प्लांट को आप थोड़े से जो सैंड में कंकड़ बजरी पत्थर आते हैं, छोटी छोटी बजरी आती है, वो भी ऐड करके लगाएंगे, तो भी इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, और जो पानी होता है वो उसमें ठहरता नहीं, बहुत ईजिली ड्रेन आउट हो जाता है। तो मैंने भी ऐसा ही सैंड लिया है, सॉइल लिया है, और थोड़ा सा कंपोस्ट की मात्रा कम है, क्योंकि जब डॉर्मेंसी में था तब तो इसे कंपोस्ट की नीड नहीं थी, तो मैंने इसमें कंपोस्ट कम ऐड किया था। और फिर जनवरी फरवरी से इसने ग्रोथ स्टार्ट कर दी है, क्योंकि इसका ग्रोइंग सीजन है। तो आप इसे जब अगर समर में रिपोर्ट करते हैं, तो अच्छी क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र दे दीजिए, कंपोस्ट दे दीजिए, ताकि बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहे। और मैंने फिर इसे दोबारा लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया, जब इसका ग्रोइंग सीजन स्टार्ट हुआ, तो मैंने काउडंग कंपोज और वर्मी कंपोज, इनमें से मैंने इसे वर्मी कंपोज का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था, उसे लिक्विड फर्टिलाइज़र फॉर्म में दिया था। तो देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है ये प्लांट, देखिए बहुत ज़्यादा बुशी हो गया है। तो मैंने इसे इस तरह की सॉइल में लगाया है, तो आप भी ऐसी सॉइल इसके लिए लेंगे तो प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा। सकुलेंट प्लांट को वाटर से बचाना पड़ता है, अगर आपने इसमें ज़रा सा भी वाटर एक्सेस किया तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है। तो वाटरिंग में आप इसका बहुत ध्यान रखें फ्रेंड, क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है ना, देखिए आप देख के ही समझ जाएंगे, बहुत पल्पी स्टेम होती है, बहुत थिकनेस होती है इनमें, और साफ साफ दिखता है कि इसमें वाटर स्टोर है, लीव्स में भी और ब्रांचेज में भी वाटर स्टोर रहता है। तो आप इसमें वाटरिंग का ध्यान रखें, जब सॉइल ड्राई दिखे तब इसमें वाटरिंग करें, अगर सॉइल गीली है, उसमें ऑलरेडी नमी है, तो आप इसमें वाटरिंग नहीं करेंगे, तो आपका प्लांट हमेशा सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से आप हमेशा सॉइल को चेक करके दें, ऊपर मिट्टी की ऊपरी की लेयर अगर आप उसको ड्राई दिखती है, तभी आप उसमें वाटरिंग करें, अदरवाइज ना करें। सबसे अच्छी जो रिक्वायरमेंट है इसकी, ये सनलाइट की होती है। सनलाइट अच्छी मात्रा में देंगे तो ये प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। मेरा जो ये जेड प्लांट है, फुल डे सनलाइट में रहता है, मॉर्निंग टू इवनिंग पूरे दिन की धूप मिलती है, इसलिए ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। जब मैं नर्सरी से लाई तो इनके लीव्स का साइज़ थोड़ा सा छोटा था, लेकिन जब मेरे गार्डन में ये ग्रोथ करने लगा, तो देखिए बड़े साइज़ का लीव्स दे रहा, बहुत बड़े बड़े साइज़ की लीव्स आ रही, और बहुत तेज़ी से सारी ब्रांचेस ग्रोथ कर रही हैं। तो मैं इसे फुल डे की सनलाइट देती हूँ। सकुलेंट प्लांट को अच्छी धूप की रिक्वायरमेंट होती है, जो अदर सकुलेंट प्लांट होते हैं उन्हें थोड़ी सी मई जून की जुलाई की धूप से थोड़ा बचाना पड़ता है, कम सनलाइट की नीड होती है, लेकिन इस वाले जो जेड प्लांट है, इसे जितना ज़्यादा धूप देंगे उतनी ज़्यादा ये ग्रोथ करेगा और बुशी होता जाएगा, और
ये काफ़ी हार्डी प्लांट है फ्रेंड, ये ख़राब नहीं होता। देख सकते हैं आप इसकी ग्रोथ कितनी तेज़ी से हो रही है अप्रैल मंथ में, अभी पूरा समर पड़ा हुआ है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा धूप दीजिए, जितना दे सकते हैं उतना धूप दीजिए तो ग्रोथ करेगा। अगर आपने इसे इनडोर रख दिया या पार्शल शेड में रख दिया, कम धूप दे रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए ऑलरेडी इसकी लीव्स के जो बीच में गैप है वो है ना, लेकिन अगर आपने इसे शेड में रख दिया तो ये गैप जो है वो और ज़्यादा हो जाता है, बहुत लंबी लंबी गैप बन जाती हैं और जो लीव्स है ना वो गिरने लगती हैं, टूट के गिरने लगती हैं धूप की कमी की वजह से। तो आप ऐसा ना करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा धूप दें और समर में ही ग्रोथ करेगा, विंटर में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगा क्योंकि डोरमेंसी में चला जाता है। तो इसे अच्छी सी धूप दीजिए, ओके फ्रेंड। फ्रेंड इसकी फर्टिलाइज़र की नीड बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसे साल में एक से दो बार फर्टिलाइज़र देंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। जब इसका ग्रोइंग सीज़न स्टार्ट हो तो एक बार दे दीजिए, फिर दो से तीन महीने बाद दोबारा से इसे फर्टिलाइज़ कर दीजिए, तो पूरे समर में ये प्लांट ग्रोथ करता रहेगा, बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। एक बार रिपोर्टिंग में दिया था मैंने और दोबारा मैंने इसे जनवरी या फरवरी में मैंने इसे लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़ कर दिया था, तभी ये इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की नीड नहीं होती। जब समर में इसका ग्रोइंग सीजन स्टार्ट होता है तो ग्रोथ करता ही करता है। तो फर्टिलाइज़र के लिए आप इसे ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र ना दें। मेरा प्लांट इतना बूशी है तो मैं इसकी क्या केयर करती हूँ, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जब मैंने इसे नर्सरी से परचेज़ किया था दिसंबर में, तो इसको प्रून कर दिया था क्योंकि मैंने इसे एक बॉन्साई प्लांट के पर्पज़ से लिया था। तो मैंने पूरा, ये कोई भी ब्रांच नहीं थी, ये सारी जो नई ब्रांच देख रहे हैं ना, ये सारी नई ब्रांच है, सारी की सारी मैंने कट करके हटा दी थी, तो क्योंकि मैंने इसे बॉन्साई लुक दिया था। आप वो मेरी पुरानी वाली वीडियो देखेंगे दिसंबर वाली, तो आपको समझ आएगा कितना छोटा सा प्लांट था और कितना बुशी हो चुका है। तो बुशी का मेन रीज़न यही होता है कि अगर प्लांट को बुशी बनाना चाहते हैं तो उसकी ट्रिमिंग करते रहिए, कटिंग करते रहिए। आप जितनी ब्रांचेस को कट करेंगे उतनी डबल से ट्रिपल ब्रांचेज इसमें बन के आती हैं, प्लांट बुशी होता जाता है। तो अगर समर में ही एक से दो कटिंग आप कर देते हैं ना इसकी, तो आपका प्लांट बहुत बुशी हो जाएगा। तो बस मेरा प्लांट काफ़ी बुशी है, मैं इसकी कटिंग करने वाली थी तो मैंने सोचा पहले अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दूं कि मेरा प्लांट देखिए कितना बुशी हो चुका है। जैसे मैं केयर बता रही वैसे केयर करेंगे तो आपका भी प्लांट बहुत बुशी हो जाएगा। और आज मैं इसकी कटिंग करूंगी, यहाँ से इसे कट करके हटा दूंगी, तो ये प्लांट फिर से एक बॉन्साई शेप में आ जाएगा, जो कि मुझे बहुत पसंद है। आप भी बॉन्साई लुक देना चाहते हैं तो इसकी प्रूनिंग कर करके अच्छा सा शेप दे दीजिए अपना मनचाहा शेप, और जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकलती हैं उनकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। इसकी प्रोपोगेशन फ्रेंड बहुत ईजी है, आप इसे प्रोपोगेट करना चाहते हैं तो इतना ईजी प्रोपोगेट होता है। देखिए इतनी छोटी छोटी सी ब्रांच आप इसकी कट करके लगाएंगे ना तो बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। मैंने इसकी इतनी छोटी सी ब्रांच कट करके लगाई थी ना, तो वो भी ग्रो हो गया है। तो जब इसका ग्रोइंग सीजन हो तो आप इसे ईजिली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और मैंने तो दिसंबर में इसकी प्रूनिंग की, तो दिसंबर में कटिंग लगाया था, तो विंटर में ग्रोथ तो नहीं करता लेकिन इसकी रूटिंग हो गई थी, और जब जनवरी फरवरी स्टार्ट हुआ तो इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। तो जितनी भी कटिंग मैंने ग्रो की थी इसे प्रून करने के बाद, वो सारी कटिंग सक्सेसफुली ग्रो हो गई है और मेरे गार्डन में ढेरों जे प्लांट तैयार हो चुके हैं। वो अभी टेरिस पे पड़े हैं इसलिए मैं आपको शो नहीं कर पा रही हूँ। तो इसकी प्रोपोगेशन बहुत ईजी, कितना भी छोटा, देखिए इतना छोटा छोटा ब्रांच लेके आप लगा सकते हैं। तो जब भी इसकी प्रूनिंग करें इसके ब्रांचेस को वेस्ट ना फेंकें, इनकी कटिंग तैयार कर लें। आपके गार्डन में प्लांट ज़्यादा हो जाते हैं तो दोस्तों से शेयर कर लें, रिलेटिव से शेयर कर लें, बहुत प्यारा प्लांट होता है फ्रेंड। ये एक लकी प्लांट होता है, इसे लोग शुभ मानते हैं अपने घर में रखना, एक लकी प्लांट होता है, तो इसलिए आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें। बहुत खूबसूरत प्लांट है, एक बार आपके गार्डन में आता है तो ये अपने लिए जगह बना लेता है और आप इसे ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये इसकी कंप्लीट केयर थी फ्रेंड, और अगर आपको ये केयर पसंद आती है तो प्लीज़ आप भी ऐसे ही जेड प्लांट नर्सरी से लाएं और इसकी केयर करें। फ्रेंड एक और बात बताना चाहूँगी, कुछ दिन पहले ही इसमें कुछ पेस्ट लग गए थे मेरे प्लांट पे, टॉप पे कुछ छोटे छोटे पेस्ट लग गए थे, तो मैंने इसमें नीम ऑयल का स्प्रे किया था। अगर आपके प्लांट में ऐसी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, तो जो पेस्ट वगैरह हैं वो हट जाते हैं। या आपके पास नीम खली पड़ी है तो मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी में थोड़ा सा नीम खली ऐड कर देंगे तो भी ये प्लांट जो पेस्ट है वो हट जाएंगे। तो इस तरह से आप इसे पेस्ट से मुक्त कर सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं। तो बस ये छोटा सा एक वीडियो था जेड प्लांट पे, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप आगे हमेशा मुझसे जुड़े रहें और मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके, आप उसे देख सकें। उसके लिए आप नोटिफिकेशन और बेल बटन भी दबा दीजिएगा। मेरी वीडियोज़
कोशिश होती है कि बहुत इन्फॉर्मेटिव हो और अलग अलग टॉपिक में वीडियो बनाती हूँ। मेरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट हैं तो मैं हर प्लांट पे उनकी केयर बताती रहती हूँ, वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबा दें ताकि सभी वीडियोज़ आप देखकर अपने प्लांट की केयर कर सकें। फिर जल्दी ही मिलूंगी आप लोगों से किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।